मुझे 18 तारीख को ये महसूस हुआ कि मैं बीमार हूँ। मैंने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट किया। हमने महसूस किया कि लोग अक्सर क्या हो रहा है, कोरोना जब पॉजिटिव होते तो डर जाते। मेडिकल कॉलेज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये डर से ऑक्सीजन पे हैं कि अगर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। आप देख रहे हैं madhepuralivenews.com और मैं हूँ अमित कुमार। कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना को मात दे के फिर से अपने काम में मशगूल हैं। कुछ ऐसे ही फ्रंट लाइन वर्कर्स जो काम करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए थे और आज फिर से अपने काम पर लगे हुए हैं। हम आप उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि क्या क्या परेशानी हुई, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार अंशु है और मैं अप्रैल महीने के 21 तारीख को मैंने जांच कराया था तो मैं पॉजिटिव आया था। और अभी 5 मई को फिर पुनः जांच करा के मैं निगेटिव आया हूँ और स्वस्थ हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। जब आप कोरोना पॉजिटिव का जब आपको लगा था कि आप खुद को लग रहा था कि हम बीमार हो गए हैं, आप जांच करवाए तो कैसा क्या सोचे? सबसे पहले कि मुझे 18 अप्रैल को महसूस हुआ कि मैं भीतर से किसी तरह से बीमार हूँ, तो किन्हीं डॉक्टर से सलाह लेने के बाद कि पहले डॉक्टर का सलाह था कि पहले खुद को 2-3 रोज अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बावजूद भी अभी अगर 2-3 रोज के बाद अगर आपको लगता है कि आप फिर भी बीमार हैं तो तुरंत चेकअप कराएं। मैंने भी वही किया। मुझे 18 तारीख को ये महसूस हुआ कि मैं बीमार हूँ। मैंने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट किया, सभी घर के सभी सदस्यों से दूर होकर के। 21 तारीख को मैं थोड़ा ठीक था, फिर भी लगा कि नहीं जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि 3 दिन हो चुका था। तो मैंने 21 तारीख को सदर अस्पताल में जांच कराया तो मुझे उसमें पॉजिटिव बताया गया। तो पॉजिटिव मुझे सबसे शुरू में थोड़ा सा क्या था कि अगर इंसान है तो थोड़ा सा डर सा लगा कि पॉजिटिव आ गए हैं, जिससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व अभी कांप रहा है, डर रहा है। तो वाजिब है कि उससे डर तो लगना वाजिब था, लगा भी और घर गया भी। लेकिन 2-3 रोज में एक जो मैंने महसूस किया कि यह कोरोना को हम बहुत आसानी से मात दे सकते हैं, बशर्ते हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। कोरोना ठीक है अभी हमारे देश को तबाह कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना को हम लोग स्वयं खुद से भयावह बना रहे हैं। हम चाहें तो उससे लड़ करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो हमें परेशानी भी थोड़ी सी कम होगी। आत्मविश्वास मजबूत होने का मतलब कि अगर हमें कोरोना है तो अगर पॉजिटिव हो चुके हैं तो हो चुके हैं, अब उसके लिए हम अगर टेंशन में जाते हैं तो फिर शरीर हमारा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, हम उससे लड़ कम पाएंगे। यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। हाँ, एकदम हमारे अपने अंदर से निगेटिव चीज़ को बाहर करना है। पॉजिटिव होने के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ हमें मानसिक तौर पे पॉजिटिव होने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें हमने महसूस किया कि लोग अक्सर क्या हो रहा है, कोरोना जब पॉजिटिव होते तो डर जाते हैं। और डरने से नॉर्मल सी बात है कि आप जब डरेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आपके अंदर की जो क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। एक तो कोरोना आपके शरीर को कमज़ोर कर रहा, ऊपर से आपके डर ने आपको कमज़ोर कर दिया, जिसके कारण और आपको दवाई की या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी आपने हाल में 2 रोज़ पहले जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी महोदय का भी आपने बयान सुना होगा कि मेडिकल कॉलेज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ये डर से ऑक्सीजन पे हैं कि अगर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उन्हें कुछ हो जाएगा। ये डर को दूर करना, हमें पॉजिटिव होने के बाद डर को दूर करना है। आप पूरे दिन व्यस्त रहे ना, आप पूरे दिन व्यस्त रहिए, पॉजिटिव घर में है, घर में एकदम रहना है, हमें सभी लोगों से अलग रहना है। इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं कुछ नहीं है कोरोना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, है बहुत कुछ है। उसके लिए हमें घर में एक रहना है, इसका जितने भी सरकार या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बताया गया है कि नियम का पालन करना, घर के लोगों से अलग रहना, अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करना, समय समय पर दवाई लेना, काढ़ा पीना या हल्दी दूध पीना, जो भी नियम है वो पूरी नियम को अपनाएं। और इस बीच में आप अपने आप को पूरी तरह व्यस्त रखें, दिन में सोएं कम,
क्योंकि दिन में सोने के बाद अक्सर क्या होता है कि हम रात में जगते हैं, और रात में जब हम अकेले अपने बेड पे होते हैं तो वाजिब है बहुत सारी चीज़ हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उस स्थिति में हमें डर होती है। अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को व्यस्त रखिए, दिन में कम सोएं और रात में पूरी नींद लें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। एक जानकारी हमको दीजिए कि जब आप पॉजिटिव थे और जब ठीक होके आए तो उसके बाद कैसा मैंने फील क्या हुआ, इसके क्या इस तरह से मैसेज आप देना चाहते हैं आम जनता को जो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से आप मैसेज देंगे? मैं फिर से वही कहूँगा, पॉजिटिव होने के बाद आप सिर्फ अपने अंदर से ये डर निकाल दें कि मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ और अब मुझे कुछ हो जाएगा। आप आंकड़ा देखें, आप स्वस्थ होने का आंकड़ा ज़्यादा है ना, मरने का आंकड़ा तो बहुत कम है। अगर उसको काउंट में करेंगे तो हर जिला के हिसाब से 1, 2, 5, 10, 20 इस तरह से, इसका मतलब मौत का आंकड़ा को अपवाद नहीं कहेंगे लेकिन मौत होती है, लेकिन स्वस्थ होकर होने का आंकड़ा तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ज़्यादा लोग स्वस्थ हो रहे, तो स्वस्थ होने में हमारी गिनती क्यों ना आए? और स्वस्थ हम तब होंगे जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा, बाद बाकी कोरोना को हरा के हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हमारे साथ अमित कुमार अंशु थे और उन्होंने सही बात बोले कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। हमेशा दिल में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए, तो हम कोरोना के जंग को हम जीत सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए madhepuralivenews.com। अगर हमारी इस खबर को आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो कृपया उसे लाइक कर लें, और अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब लें ताकि इस तरह का सारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।